प्यारे बच्चे लोग, आज हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर सॉलिड स्टेट का एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.11 के बारे में। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको पूरे सॉलिड स्टेट में से केवल एक ही क्वेश्चन मिलेगा डेंसिटी वाला। वो फॉर्मूला जो है बहुत ही इजी फॉर्मूला है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन करते वक्त आपकी जो ना हालत खराब हो जाती है, आपकी नहीं सारे बच्चों की भी जाती है, इवन की कभी मेरी भी होती थी बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो किसी भी यूनिट सेल, खास करके हम क्यूबिक की केवल बात कर रहे हैं, कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे तो डेंसिटी का टर्म आपने फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू जेड इंटू कैपिटल एम बाय ए क्यूब इंटू एन नॉट। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ये फॉर्मूला में क्या है, तो ये रो हमारा डेंसिटी है, जेड इस यूनिट सेल के अंदर में कितने एटम है इनसाइड द यूनिट सेल, यानी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, वो है एम, आपका एटम का एटॉमिक मास या मोलर मास कह सकते हो। ए हमारा एज लेंथ है यहां पर, और एन नॉट एवोगाड्रोज नंबर है। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ तो इसका तो वीडियो हमारे प्लेलिस्ट, इसी प्लेलिस्ट में आप ऊपर में जाकर देख सकते हो, ऊपर में ही आपका कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल उसमें दिया हुआ है। फिलहाल सवाल देखिए, यहाँ पर कहता कि सिल्वर, ध्यान दीजिए यहाँ पर, सिल्वर रहे, गोल्ड रहे, कॉपर रहे, वो कोई मतलब नहीं है। मतलब होता है हम लोग को यहाँ पर सॉलिड स्टेट में कि ये भाई साहब किस टाइप का लैटिस बना रहा है, तो हमको इससे मतलब है, सिंपल है कि बीसीसी है कि एफसीसी है, हमको उससे मतलब होता है, हमको कौन सा आइटम है उससे कोई मतलब फिलहाल नहीं है। तो सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी लैटिस, सिल्वर जो है एफसीसी लैटिस में कन्वर्ट होता है। तो जैसे ही हम लोग को एफसीसी लैटिस मिल गया, हम लोगों को एफसीसी जैसे ही मिल गया, तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होगा, चार होगा एफसीसी के लिए। क्लियर, जानते हो ना, सिंपल के लिए एक, बीसीसी के लिए दो, एफसीसी के लिए चार। इफ एज लेंथ ऑफ द सेल इज, यानी ए दिया हुआ है हमारा 4.07 × 10⁻²⁸ सेंटीमीटर, यहां पर दिया हुआ है ये एज लेंथ, ये एज लेंथ दिया हुआ है, और यूनिट सेल की डेंसिटी यानी रो दिया हुआ है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तब हमें कहा गया है कि कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, यानी कि एम इज इक्वल टू वाट, यही एटॉमिक मास हमको मांग रहा है। एवोगाड्रोस नंबर तुमको पता ही रहता है, एवोगाड्रोस नंबर जो है वो कितना है, 6.022 × 10⁔, और ये एक मोल में होता है, तो पर मोल इतने पार्टिकल होते हैं। कुल मिलाकर के जो हम लोग यूनिट्स की बात करेंगे तो सब खत्म उत्तम होकर के अंतिम में मोलर मास ग्राम पर मोल में आएगा। किस में आएगा, ग्राम पर मोल में, या आप यू या एएमयू में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग यहां पर अगर यहां से m के फॉर्मूला को निकाले तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां जाएगा, z आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा रो इंटू ए क्यूब इंटू एन नॉट डिवाइडेड बाय z हो जाएगा, होगा ना। तो रो कितना दिया हुआ है हमको, 10.5 दिया हुआ है, इंटू ए क्यूब, तो 4.07 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। यूनिट ध्यान रखिएगा, डेंसिटी में सेंटीमीटर टर्म है, तो यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट लेकिन आपका सेम रहना चाहिए। एवोगाड्रोस नंबर 6.022 × 10⁻², कितना हो गया, 23 हो गया, अपॉन यहाँ पर जेड का वैल्यू कितना हो गया, जेड का वैल्यू हमारे पास 4 दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 4 से थोड़ा सा ये वैल्यू ज्यादा है, थोड़ा सा, ठीक है ना, 4.1 के करीब है, समझ लो। 4 का क्यूब अगर करते कितना होता, 4 × 16 = 64 हो जाता, नहीं, 4 का क्यूब कितना होता, 64 हो जाता। तो कहीं ना कहीं ये 4.07 है। अब जान लो, यहाँ केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, अगर बहुत ही लॉन्ग वाला कैलकुलेशन आपके सामने हो, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो, तो वहां पर एक्यूरेसी के साथ में आप 100% एक्यूरेसी में अगर निकालना चाहोगे वैल्यूज, तो बहुत दिक्कत होगी। आप वहां अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, क्योंकि आपके अगर जेई में मान लीजिए या नीट में क्वेश्चन अगर इससे आते हैं, तो वहां पर अगर आप इसके शॉर्ट शॉर्ट कैलकुलेशन करने जाओगे तो बहुत दिक्कत होगी, तो वहां पर अप्रोक्सीमेशन का यूज करना। आंसर्स जो होंगे ना, ऑप्शन ना, वो बिल्कुल सिमिलर नहीं दिखते हैं, वो डिफरेंस बहुत ज्यादा ज्यादा डिफरेंस रहता है, तो आपके आंसर जो आएंगे ना उसका सिमिलर आंसर ऑप्शन मिल जाएगा, आपके क्वेश्चन में ऑप्शन मिल जाएगा। तो ऑप्शन अगर आप जो है, यानी कि आप अगर एप्रोक्सीमेट लेके चलते हो तो काम अच्छे से बनेगा। जैसे कि 4 का क्यूब 64 होता है, तो हम 65, 66, 67 इसमें से कोई वैल्यू ले लेंगे। हालांकि यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये 10.5 हो गया, और ये जो है इसका 4.07 का क्यूब करोगे तो ये होगा 67.7, ये इतना लगभग में आएगा, ठीक है ना, 67.676 आता है, तो 67.7 ले लिए, ठीक है ना, इंटू 10⁻⁸ का क्यूब के, तो 10⁻²⁴ हो जाएगा, 8 × 3 हो गया 24,
इंटू 6.022 टेन टू द पावर 23 हो जाएगा, अपॉन यहां पर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट यहां पर है क्या, हम इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है ना, तो जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग में ये वैल्यू आएगा कितना, 4280 आएगा। अब ये गुना आपको करना है, ये मल्टीप्लाई आपको करना है, तो लगभग ये 4280, थोड़ा सा एक्यूरेट अगर दिखाए तो 4280.7 ये हमारा रिजल्ट आता है। ठीक है ना, अपॉन कर दिए 4 और 10 का पावर कितना रह गया, तो -24 और 23 करेंगे तो 10 का पावर -1 बचेगा, तो -1 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1/10 लिख सकते हैं, यानी कि इतना से हम लोग 40 से डिवाइड करना है। अब 40 से डिवाइड करना आसान हो गया यहाँ पर, कैसे, तो ये 4 से कटाओ, 4 का 4 हो गया 0, 4 सत्ते 28 हो गया, फिर यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा, तो 4 सत्ते 28 0 हो गया, और 0.4 एक बार में 4 कटेगा, 4 का 4 हो गया, नहीं 4×5 4 जो भी हो यहाँ पर रिजल्ट जो भी आएगा। ठीक है ना, तो अपॉन कितना हो गया यहाँ पर, 10 रह गया, तो ये रिजल्ट आएगा 107.01, यानी कि 10 से भागा देंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, ये 107.01 ये ग्राम पर मोल में ये हमारा रिजल्ट किसका आ गया, सिल्वर का एटॉमिक मास का आ गया रिजल्ट। हालांकि सिल्वर का एटॉमिक मास जो है, अगर हम एक्यूरेट कहें तो पीरियोडिक टेबल के मुताबिक 108 पॉइंट समथिंग होता है, तो 108 के करीब होता है, तो यहाँ पर 107 आया है, तो ये हमारा एबनॉर्मल मोलर मास कहलाएगा, क्योंकि डेंसिटी इसका एक्सपेरिमेंट से निकाला गया होगा, और डेंसिटी एक्सपेरिमेंट से निकालने के बाद तब हम लोग एक्सपेरिमेंटल मोलर मास जो निकालते हैं उसको एबनॉर्मल मोलर मास बोलते हैं। ये कैसा मोलर मास कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास कहलाएगा, एबनॉर्मल मोलर मास विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द नॉर्मल मोलर मास। ओके, जो कि नॉर्मल मोलर मास से सेम भी हो सकता है या अलग भी हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कैलकुलेशन में ही जो है इसकी फॉर्मूला या ट्रिक में कुछ भी दिक्कत नहीं है, जो भी है मैथमेटिक्स में है। अगर मैथमेटिकल आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना पसंद करते हो तो डेफिनेटली आपसे बन जाएगा, न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व करने की आदत नहीं है, गुणा भाग करने की आदत नहीं है, तो दिक्कतें जरूर होंगी। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री ये पढ़ते हो तो तुमको डेफिनेटली सब कुछ आना चाहिए, आपको थ्योरी पढ़ने में मजा आना चाहिए, न्यूमेरिकल भी बनना चाहिए आपसे सब कुछ, क्योंकि केमिस्ट्री सब कुछ का कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना, याद करने वाला टर्म है, रिएक्शन वाला टर्म है, बहुत सारे टर्म है, न्यूमेरिकल भी है। ठीक है, सब कुछ को मिला जुला केमिस्ट्री बनाया गया है, तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करना जरूरी है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, कमेंट में अगर कुछ बात कहनी हो तो कमेंट में जरूर कह सकते हैं। ठीक है।